हेलो दोस्तों, मैं लिनक्स के ऊपर एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसके लिए मैं कंटिन्यूस वीडियोस डालूंगा इसके ऊपर। और आज पहले वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन टू लिनक्स सीखेंगे कि लिनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, लिनक्स के जो डिस्ट्रीब्यूशंस है वो क्या है, ये सब के बारे में मैं आज जानकारी दूंगा। उसके बाद कंटिन्यूस मैं इसके ऊपर वीडियोज़ डालना शुरू कर दूंगा। तो इंट्रोडक्शन टू लिनक्स, तो लिनक्स एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको लिनस टोडवॉल ने बनाया था। ओपन सोर्स का मतलब है कि ये कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इंटरनेट पर आप जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं चाहिए तो आपको इसका लिंक दे दूंगा कि आप सेंटोएस का, अगर आपको एस चाहिए या उबंटू का एस चाहिए, रेड हैट का चाहिए, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मशीन को इंस्टॉल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके आगे अगर हम देखेंगे तो यही है लिनस टोडवॉल जो फाउंडर है लिनक्स के, इन्होंने ही लिनक्स को बनाया था। और ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये सॉफ्टवेयर लेयर है जो कि हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर लेयर दैट इज़ बिटवीन अवर हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर दैट वी एक्चुअली यूज टू डू समथिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज द सॉफ्टवेयर टू टॉक टू द हार्डवेयर। आप देख सकते हैं कि सारे हार्डवेयर यहाँ पर हैं, एप्लीकेशंस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, हार्ड ड्राइव है, और ये सब के सब ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो सकता है, आपका मैक हो सकता है, विंडोज़ हो सकता है, लिनक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सब सारे जो हार्डवेयर है आपके लैपटॉप के या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करते हैं। लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो या कोई सर्वर हो, सब इसी से कम्युनिकेट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से। इसके बिना आप अपना लैपटॉप नहीं चला सकते। सब लोगों के यहाँ पर, बहुत से लोगों के यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है कि लिनक्स और यूनिक्स क्या सेम है। जी नहीं, ये दोनों अलग अलग होते हैं। यूनिक्स और लिनक्स दोनों अलग होते हैं। यूनिक जो है एक अलग ओएस है और लिनक्स एक अलग ओएस होता है। ठीक है, इसके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, जैसे कि आपने फेमसली सुना होगा कि रेड हैट, फेडोरा, सेंटोएस, ये सारे इसके डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। और इसमें एक जो बुनियादी बात हमें जानना चाहिए कि इसमें रूट यूज़र एक होता है, एक नॉर्मल यूज़र होता है। जैसे कि विंडोज़ में अगर आप जाएंगे तो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है और एक नॉर्मल यूज़र होता है। एडमिनिस्ट्रेटर के पास ज़्यादा प्रिविलेजेस होते हैं, ज़्यादा पावर होता है, वो किसी को भी डिलीट कर सकता है या फिर जो भी परमिशन हम देते हैं हम एक नॉर्मल यूज़र को भी दे सकते हैं। लिनक्स में अगर इसको आपको फाइंड करना है या फिर आइडेंटिफाई करना है कि पहचानना है कि ये नॉर्मल यूज़र है या रूट यूज़र है, तो हम देख सकते हैं कि नॉर्मल यूज़र के सामने एक डॉलर का साइन होता है जहाँ पे यहाँ पर लिखा गया है, और जो रूट यूज़र होता है उसके सामने एक हैश टैग होता है। तो वी हैव रूट एक्सेस इन लिनक्स विच इज़ द हाइएस्ट लेवल ऑफ एक्सेस, इट्स लाइक एडमिनिस्ट्रेटर इन विंडोज़। वी कैन डू समथिंग इफ़ यू लॉग इन एज रूट, वी कैन डू एनी थिंग इफ़ यू लॉग इन एज रूट। रूट यूज़र के पास सारे प्रिवलेजेस होते हैं, नॉर्मल यूज़र के पास सारे प्रिवलेजेस नहीं होते, हमें उसे परमिशन देना पड़ता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में बस इतना ही। मैं छोटे छोटे वीडियोज़ बनाकर जल्दी से जल्दी शॉर्ट में सारा लिनक्स समझाने की कोशिश करूँगा। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ का लाइक करें। थैंक यू।